हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आज के युग में तकरीबन सभी को सुपरहीरोज की मूवी देखना अच्छा लगता है। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि काश हम भी वह सब कारनामे कर पाते जो सुपरहीरोज करते हैं। आप सब ने एक बार तो सोचा ही होगा कि काश आपको भी हीरोज जैसी शक्ति मिल जाती। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें सुपरहीरो की तरह शक्तियां मौजूद होती है। आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, पर ये सच है। सुपरहीरो की तरह कमाल दिखाने वाले ये लोग कोई और नहीं बल्कि बौद्ध भिक्षुक होते हैं। कहते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं का दिमाग आम आदमी की तुलना में बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इन कामों को करने के लिए वह अपने दिमाग और शरीर को इस तरीके से ट्रेन कर लेते हैं जो कि ये काम इंसान के बस की बात नहीं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कौन कौन से अचंभित कर देने वाले काम कर सकते हैं ये बौद्ध भिक्षुक। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई व्यक्ति पानी पर चल सकता है, तो आमतौर पर आप हंसेंगे और जवाब में कहेंगे नहीं, पर बौद्ध भिक्षुक ये कारनामा बखूबी निभाते हैं। इस तस्वीर में पानी पर चल रहे इस बौद्ध भिक्षुक का नाम है शी लिलियांग। आपको बता दें कि लिलियांग ने पानी पर तैरते हुए तख्ते के साथ करीब 125 मीटर का फासला तय किया था। आमतौर पर बहुत सारे लोग 1 किलोमीटर भी दौड़ने के लिए 2 या 3 स्टॉप लेते हैं और कुछ लोग तो पुशअप्स भी नहीं कर पाते, लेकिन ये भिक्षुक ये सारे काम बिन थके एक झटके में कर लेते हैं। वह अलग अलग तरह के पुशअप्स करते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये भिक्षुक कुछ पुशअप्स तो 1 या 2 उंगली पर भी कर लेते हैं। किसी भी काम को करने के लिए आम व्यक्ति की स्पीड सामान्य होती है, परंतु ये बौद्ध भिक्षुक कोई भी काम बुलेट की स्पीड में कर देते हैं। आम इंसान की तुलना में इन्हें बेहद कम समय लगता है। जैसा कि आप सब जानते ही है, एक असंभव कार्य है दीवार पर चलना, लेकिन बौद्ध भिक्षुक दीवार पर चलने वाला काम भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। कई बार तो उन्होंने इस काम का प्रदर्शन भी किया है। इतना ही नहीं, चलने के अलावा वह दीवार पर दौड़ते भी हैं। इन बौद्ध भिक्षुओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लोग किसी भी चीज से डरते नहीं हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि कैसे एक बौद्ध भिक्षुक बिना डरे एक बड़े बर्तन में बैठा है जिसमें तेल है और नीचे से उसमें आग लगी है। ऐसा करने के लिए कोई भी साधारण व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता। कम चयापचय यानी लो मेटाबॉलिज्म। बौद्ध भिक्षुक अपनी मेटाबॉलिज्म की क्षमता को 60% तक कम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आम व्यक्ति की तुलना में बौद्ध भिक्षुओं को जीने के लिए ज्यादा खाने और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। वह आम आदमी के मुकाबले कम में ही अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं।